लेकिन आप सब अगर कल के मैच पे नजर डाली जाए तो ये मैं एक चीज देख रही थी कि बाबर आजम ने सेंचुरी की और कल उनकी वालिदा पहली बार उनको मैच स्टेडियम में देखने आई हैं। उन्होंने उनको लाइव परफॉर्म करते देखा और उनका कहना यह था कि मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती थी, मेरी वालिदा मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हैं कि वो आई हैं और मैंने एक सेंचुरी की है। इस हवाले से क्या था? देखिए, बड़े ये नाकाबले बयान चीज़ें होती हैं कि जब आपकी आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, आपके वालदैन हैं, ठीक है, आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, ये लोग जब आपको अगर कोई पहली मरतबा देखने आए तो उस वक्त तो आपको बिल्कुल ही नाकाबले बयान सी चीज़ें होती हैं। वो एक काबले फ़ख्र है, उनके बेटे पूरे पाकिस्तान को उन पर फ़ख्र है और उनके वालिद भी थे कल स्टेडियम में मौजूद मैच देखने के लिए। वो तो मुख्तलिफ मुल्कों में भी जब पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करती है तो वो वहाँ भी मैचेस देखने के लिए मौजूद होते हैं, तो ये उनके लिए बहुत यकीनी तौर पर एक ऐसा, उनके बेटे ऐसे हैं क्रिकेटर जिनको दुनिया देखने के लिए स्टेडियम्स तक आती है, तो एक माँ के लिए इससे ज़्यादा और क्या काबिले फ़ख्र लम्हा हो सकता है कि उनका वो बेटा जिसको हज़ारों लोग वहाँ पर नारे लगा रहे होंगे, उनके तो बिल्कुल जज्बात ही बहुत मुख्तलिफ होंगे कि ये सुना होगा ना उन्होंने इससे पहले कि लोग बाबर के बारे में नारे लगा रहे हैं, लोग बाबर के बारे में इस तरह बात कर रहे हैं, लोग इतना उससे प्यार करते हैं, तो कल उनकी वालदा ने अपनी आंखों से देखा होगा, तो ये नाकाबले बयान है कि उनके क्या एहसासात होंगे कि वो किस तरीके से, क्योंकि एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है पाकिस्तान में। अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत मुश्किल सफ़र तय कर कर पाकिस्तान की टीम तक पहुँचते हैं और अगर कोई उनमें बहुत नुमाया हो जाते हैं तो उनके उस सफ़र में उनके वालदा ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी होती हैं, उनके लिए तो बहुत ही काबिल फ़ख्र लम्हात हैं और यादगार भी होंगे कि जब उन्होंने अपने बेटे को पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स में कजाफी स्टेडियम में खेलते हुए देखा होगा, हज़ारों लोग नारे लगा रहे होंगे बाबर के, इससे ज़्यादा क्या उनके लिए फ़ख्र या खुशी का लम्हा क्या हो सकता है कि उन्होंने अपनी आंखों से खुद अपने उस बेटे को देखा जब वो अपने वालिद के साथ एक मोटरसाइकिल पर उनको ग्राउंड में लेके जाते थे और उस वक्त उनकी ज़िंदगी उतनी आसान नहीं थी, मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, और आज जबकि वो कजाफी स्टेडियम में खेल रहे हैं, पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, इस लीग में एक टीम की कप्तानी कर रहे हैं, हज़ारों लोग उनको स्टेडियम में देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको टेलीविज़न पर देख रहे हैं, तो उनके लिए यकीनी तौर पर एक बड़ी खुशी के लम्हात है। और हाफिज़ साहब, मैं सोच रही थी कि लम्हा व लम्हा कैसे वो दुआएं कर रही होंगी जब वो परफॉर्म कर रहे होंगे, जब वो सेंचुरी के नज़दीक होंगे, उनके क्या तासुरात होंगे, कितनी दुआएँ उनके दिल से निकल रही होंगी, और अल्लाह ताला भी माओं की लाज रख लेता है। डेफिनेटली ये इसमें तो कोई वालदैन का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, क्योंकि आपकी कामयाबियों पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश होते हैं तो आपकी आपके वालदैन ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको आप पूरी की पूरी इंसान की ज़िंदगी मतलब बचपन से लेकर उसकी जवानी तक वालदैन को बुनियादी तौर पर अपना आप नजर आता है अपने बच्चों में, तो इससे ज़्यादा क्या उनके लिए खुशी होगी। कहते हैं दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा ये चाहता है कि कोई उससे बढ़ के कामयाब हो तो वो आपका बाप या आपकी माँ ही वालदैन होते हैं। हाफिज साहब, फैमिलीज की बात हो रही है तो एक और सवाल करना चाहूंगी कि रमीज राजा का ये कहना था कि बेगमात को स्टेडियम में लाना ही नहीं चाहिए, आप भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मैं इस हक में ही नहीं हूँ कि आप फैमिलीज को लेकर आए स्टेडियम में। मैं कभी भी देखिए मुख्तलिफ राय है, लोग आते हैं देखने के लिए, लोग उससे उसको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप चाह रहे होते हैं कि आप उनके सामने परफॉर्म करें, मतलब एक मुख्तलिफ किस्म के एहसासात है ना, खिलाड़ी पसंद भी करते हैं, उनका अपना ख्याल है, हो सकता है उनके जो सोचने का अंदाज़ है वो इस तरीके से हो गए खिलाड़ियों की तवज्जो तकसीम हो जाती है, लेकिन एक इसका पहलू ये भी हो सकता है कि वो उनको मोटिवेशन भी मिलती हो ना। लेकिन जैसे अब जो वाकया पेश आया है जिस तरह से वो एक मिसहैंडलिंग हुई है फैमिलीज के साथ, ऐसी बात भी नहीं है, मतलब आप घर में तो नहीं बंद हो सकते ना, आप घर में तो बंद नहीं हो सकते ना कि सिर्फ इस एक वजह से कि आप लोग पता नहीं क्या किस तरह से क्या रवैया इख्तियार करेंगे, उस वजह से आप घर में तो नहीं बंद हो सकते, ये चलती रहती हैं चीज़ें। लेकिन रमीज साहब ने जो बात की है वो खालिस्तन उनका क्रिकेट का मामला होगा कि उनके ख्याल में खिलाड़ियों की तवज्जो तकसीम हो जाती है, हो सकती है ये भी पहलू हो सकता है कि आपको उनसे मजीद जोश और जज्बा मिले, मतलब आप चाह रहे हों कि आप ऐसी परफॉर्मेंस करें कि आपकी वालदा खड़े होकर आपके लिए तालियां लगा रही हैं, आपकी आपके वालिद आपके लिए, आपके बहन भाई आपके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे उस पर नारे लगा रहे हैं, तो ये दो चीज़ें हैं, दो पहलू हैं, आप उसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, लेकिन उमर से भी सवाल करना ज़रूरी है। उमर, आपसे पूछना चाहूँगी, कोई ऐसा मजीद वाकया आपके जहन में आता है कोई बड़ा ब्यूटीफुल सा लम्हा क्रिकेट के अंदर कभी हुआ हो, पीएसएल में हुआ हो?
ऐसे तो काफी मूवमेंट्स हैं, ब्यूटीफुल भी है, एग्रेसिव भी है। अगर आप थोड़े से एग्रेसिव देखना चाहते हैं तो आप हाफिज भाई को याद होगा कि अहमद शहजाद और वहाब रियाज में जो एक क्लैश हुआ था, एनकाउंटर हुआ था, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। फिर वो एक बैट वाली बात हुई थी कि बाबर आजम ने शॉट मारी थी और मोहम्मद आमिर ने एक एग्रेशन का इजहार किया था। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ कि मेरा मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा इमोशंस, क्योंकि मदर वाली बात है कि किस तरह मैंने भी कल देखा कि किस तरह उनकी अम्मी आई हुई थी स्पॉट करने, और कितनी माशाल्लाह से एक खुश नसीबी है बाबर आजम की भी कि देखे उन्होंने परफॉर्म भी इतना जबरदस्त किया, ब्लिस्टिंग नॉक खेला, सेंचुरी की रिकॉर्ड बनाया फास्टेस्ट सेंचुरी की अपने T20 कैरियर में, और उनकी वालदा मौजूद थी वहाँ पे, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त एक ये चीज़ है। क्योंकि आप देखें बाकी चीज़ें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और बड़े बड़े निकम्मे लोग भी होते हैं, दुआएं ले लेते हैं ना, दुआएं लग जाती है माँ बाप की, तो ये बड़ी एक चीज़ होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था। और दूसरा एक खूबसूरत मोमेंट में ये भी आप कह सकते हो कि अब्बास अफरीदी के चचा उमर गुल साहब जो है, हाँ। उन्होंने 5 विकेटें ली हुई है, तो अब्बास अफरीदी के पास भी मौका है कि वो, क्योंकि उमर गुल की ये फिगर जो है ना एक रिकॉर्ड पे है, तो अब्बास अफरीदी के पास भी है कि वो अपने जो अंकल है उनसे सीखे चीजें, क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। वैसे भी जब आपकी फैमिली में एक प्रोफेशन सेम होता है तो आपको काफी लर्निंग मिल जाती है उस चीज़, लेकिन प्रेशर भी ज्यादा होता है, क्योंकि आप ये देखें द ग्रेट जुवेद मियादाद कहाँ और उनके नेफ्यू फैसल इकबाल कहाँ, हालांकि ठीक है कुछ किया उन्होंने अच्छा, लेकिन जुवेद मियादाद की तो कैलिपर को तो नहीं मैच कर सकते ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, वही मॉडर्न क्रिकेट है जिसका हम सुबह जिक्र कर रहे थे। आवेज साहब, उस्मान खान का भी कहना था कि वो PSL के अंदर एक और सेंचुरी करना चाहते हैं। पिछले सीजन में की थी उन्होंने, अब उनके पास मौका है, करें अब उनको मौका तो मिल गया ना। लेकिन उनकी जो आपको जो एक स्पीड नजर आ रही है, जो फॉर्म नजर आ रही है, आपको लगता है कि सेंचुरी के नजदीक है? देखिए बात यह है कि 100 रन करना पड़ते हैं आपको सेंचुरी बनाने के लिए, और उसके लिए आपको क्रीज ऑक्यूपाई करना पड़ता है, लंबी बैटिंग करना पड़ती है। जैसे बाबर आजम ने कल खेला है, उससे पहले वेंडर डुसन खेले हैं, तो मौका है उनके पास, उन्होंने पहले किया है, दोबारा भी कर सकते हैं अगर मौका मिलता है उनको। कलंदर्स की बॉलिंग की तरफ से जो उस पर खामियां हैं उससे फ़ायदा उठाएं और 100 रन ऑन बोर्ड करें, और उनके पास बैटिंग भी मेरा ख्याल उन्होंने पहले ही करनी है, उसके इससे शानदार मौका क्या होगा कि लाहौर में वो भी 100 कर दें। वेंडर डुसन ने भी किया 100, फिर बाबर ने किया 300। लाहौर जो है वो 100 के नाम से मशहूर हो रहे हैं ना, बेहतरीन है। हाफिज साहब, इफ्तिखार क्योंकि पिछले मैच में स्कोर नहीं कर पाए थे, आज के मैच में देखा जाए तो कितनी उम्मीद है उनसे, इफ्तिखार साहब से, खुश दिल से, कि उनको किस हद तक स्कोर जो है वो करना चाहिए, कितना स्कोर मैक्सिमम करना चाहिए? खुश दिल जो है वो ज्यादा ख़राब दौर से गुजर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी का मायार ज़्यादा ख़राब है नस्बता इसके कि आप इफ्तिखार के ऊपर बात करें, क्योंकि इफ्तिखार ने ये जो मैचेस जितने भी इस वक्त खेले हैं इसने मुल्तान ने, इस पे एक मैच तो उन्होंने बिल्कुल आसानी से जितवा दिया था, ठीक है, लाहौर वाले, हाँ लाहौर वाले में उस जमान को जिसमें उन्होंने रन किए थे, और जो पिछला मैच था उसमें भी उन्होंने अपनी एफर्ट पूरी की थी। सम टाइम नहीं होता जब आप बड़े शॉट्स की तरफ जा रहे होते हैं, मैच उसमें भी वो आ गए थे, एक शॉट मैच से वो दूर थे, एक शॉट और लगना था तो मैच दोबारा मुल्तान की तरफ उसका झुकाव हो जाना था। तो देखना ये है कि इफ्तिखार को कितने ओवर्स मिलते हैं, लेकिन आज का जो मैच है मेरे ख्याल अगर मुल्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो वो बिल्कुल डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल होगी। जो उनकी परफॉर्मेंसेज नजर आई हैं वो चेज़ करते हुए नजर आई हैं, आज उन्होंने टोटल ऑन बोर्ड करना है, टोटल ऑन बोर्ड करते हुए आपके पास ज़्यादा आज़ादी होती है, क्योंकि आपके पास ये नहीं होता कि आपके ऊपर आपके दिमाग में हर वक्त चल रहा है कि 12 की एवरेज है, 14 की होगी या 16 की होगी, या दो ओवर में 32 रन थे, एक ओवर में अगर आपके 8 हुए हैं तो आखिरी ओवर में 24 रह गए हैं, अगर 10 हो गए हैं तो आपके पास 22 रह गए हैं। आज वो वाली सूरत हाल नहीं होगी, तो उनके पास ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा कि वहाँ पर वो अगर उनकी बैटिंग आती है तो, क्योंकि नंबर उनका भी नीचे आता है, मिडल ऑर्डर में आते हैं, अगर ऊपर से अच्छे खेल जाते हैं तो हो सकता है उनकी बारी भी ना आए, लेकिन अगर आती है तो उनके पास ये वाला आज उनके ऊपर दबाव नहीं होगा कि उनके जहन में ये चल रहा होगा कि हर वक्त मुझे हर दूसरे बॉल पे बाउंड्री चाहिए, हर दूसरे बॉल पे बाउंड्री चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, आपसे जानना चाहूंगी कि इफ्तिखार कैसा परफॉर्म करते आए हैं जब भी मैच हुआ है लाहौर कलंदर्स के साथ? हाँ जी, इफ्तिखार ने जैसे अभी मैंने पहले भी मेंशन किया था कि 11 बॉलों पे उन्होंने 34 किया था और जमान खान को 24 रन बनाए जो है वो कंसीड हुए थे, तो इफ्तिखार का रोल अच्छा रहा है। जब वो रिदम में होते हैं, फॉर्म में होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि पिछले साल न्यूजीलैंड आई हुई थी पाकिस्तान, तो एक बहुत ही ब्लिस्टिंग नॉक खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ और ऑलमोस्ट जो है पाकिस्तान वो जीत गया, जीतने वाला था लेकिन हार गया था, ऐसा ही इमरान भाई वो हार गया था ना मैच,
और बाकी इफ्तिखार क्योंकि बहुत पुराने प्लेयर है, डोमेस्टिक बहुत खेली है पाकिस्तान में और नेशनल टी ट्वेंटी में बहुत मरतबा खेले, पेशावर पैंथर्स को रिप्रेजेंट किया है, थ्रू आउट द वर्ल्ड खेलते हैं, तो जब वो चल जाए तो फिर वो उनको कोई नहीं रोक सकता। बाकी मैं एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताना चाहता हूँ आपको कि आज जो है ना नेपाल का और नामीबिया का मैच था जिसमें नामीबिया का एक प्लेयर है जान लॉफ्टी ईटन, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने 33 बॉलों में सेंचुरी की है, फास्टेस्ट सेंचुरी इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में, और उन्होंने सरपास किया है नेपाल के बैटर को, माला उनका नाम है, और फिर 35 बॉलों पे जो है मिलर ने भी किया हुआ है सेंचुरी, तो ये एक नामीबिया के प्लेयर के पास एक रिकॉर्ड गया है कि उन्होंने 33 बॉलों पे सेंचुरी कर दी। बेहतरीन, यकीनन एक बहुत ही इनक्रेडिबल मोमेंट है, जब हमारे प्लेयर्स भी इस तरह से परफॉर्म करते हैं हमें भी बहुत खुशी होती है, तो एक बहुत ही इनक्रेडिबल मोमेंट होता है।